हेलो माय डियर, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का एक और जबरदस्त टाइप के प्रश्न। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सभी प्रश्नों को, इन टाइप के प्रश्नों को कैसे आसानी से कम टाइम में सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो आइए चालू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले मैं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। यस, कॉन्सेप्ट पावर होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, यदि आपको प्रश्न में मिले अथवा या मिले कहीं आपको प्रश्न में दिख जाए या, तो इस दोनों का मतलब होता है, बराबर। यदि प्रश्न में आपको या मिले या अथवा लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब आपको समझना है बराबर। ठीक है, क्या समझना है? बराबर समझना है। ये जो स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न होता है उसमें दो टाइप बनते हैं दोस्तों। एक होता है अथवा या पर आधारित प्रश्न, एक होता है और पर आधारित प्रश्न। तो गणित में वैसे टाइप के प्रश्न में और का मतलब क्या होता है? तो और का मतलब होता है, देखते हैं क्या होता है। तो और का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो दो बातों का ध्यान रखना है, स्त्री, पुरुष और बच्चों पर जो आधारित प्रश्न होता है टाइम एंड वर्क में, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है अथवा या पर आधारित प्रश्न, या एक होता है और पर आधारित प्रश्न। तो अथवा या मीन्स होता है बराबर। यदि प्रश्न में आपको अथवा या नजर आए तो उसका मतलब समझना है बराबर, यानी बराबर, यही बराबर। ठीक है, और आपको यदि प्रश्न में लिखा हुआ मिले और, तो और का मतलब समझना है जोड़, यानी प्लस समझना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया है तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं कि उनमें ये दोनों कैसे अप्लाई होगा। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यही प्रश्न है दोस्तों। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते रहिए। तो सबसे पहले मतलब इसमें क्या करना है आपको, तो पहले तो आपको यह पता करना है कि एक आदमी कितने स्त्री के बराबर है। ठीक है, और कितने स्त्री कितने पुरुष के बराबर है, पहले यह फाइंड करेंगे। और फिर स्त्री और पुरुष में से किसी एक को एक जात में बदलेंगे, मतलब स्त्री को पुरुष में बदल देंगे या पुरुष को स्त्री में बदल देंगे। ठीक है, दोनों को एक जात में बदलेंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे फॉर्मूला MDH वाला, जो इसके पहले वाला पार्ट में आपने सिखा है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने नहीं उस वीडियो को देखा है तो जरूर मैं कहूंगा कि देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी होगा दोस्तों। ठीक है, और नहीं भी देखे हैं तो चलिए इस वीडियो में समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको पता करना है कि कितने स्त्री कितने पुरुष के बराबर हैं, मतलब कितने आदमी कितने पुरुष के बराबर हैं, यहाँ से पता चलेगा। बोला 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। तो पहले यहाँ से हम पता करते हैं, ठीक ना। आपको बताएं कि अथवा रहे प्रश्न में या रहे तो उसका मतलब होता है बराबर। तो 10 आदमी अथवा है तो उसके बदले में हम देंगे बराबर, ठीक ना। 20 स्त्री है, 10 आदमी बराबर 20 स्त्री है। ठीक है,
तो एक आदमी बराबर कितना होगा, चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं कटा करके 10 × 20, यानी एक आदमी 20 स्त्री के बराबर निकल गया दोस्तों, ठीक अथी दो स्त्री के बराबर निकल गया, चलिए ठीक है, सॉरी हम 20 बोल दिए थे, नहीं दो स्त्री के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेंटेंस का जो एक दूसरा पार्ट लेना है हमको, यहाँ बोला है 24 आदमी और 17 स्त्री, तो लिखते हैं कि 24 आदमी और 17 स्त्री, और आपको बताए हैं कि यदि प्रश्न में और रहे, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है जोड़, तो 24 आदमी और 17 स्त्री है तो उसको लिखेंगे 24 आदमी प्लस 17 स्त्री, ठीक है ना, 24 आदमी प्लस लिखेंगे 17 स्त्री, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आदमी और स्त्री है, या तो आदमी को हम स्त्री में बदल दें या स्त्री को आदमी में बदल दें, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, आदमी को स्त्री में बदलिए या स्त्री को आदमी में बदलिए, लेकिन आपको एक जात में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आदमी को ही स्त्री में बदल देते हैं, तो एक आदमी दो स्त्री के बराबर है, बताइए 24 आदमी कितने स्त्री के बराबर हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, एक आदमी 24 दो स्त्री के बराबर है तो 24 आदमी, तो दुगना स्त्री हो जाएगा, तो 24 दुनी 48 स्त्री हो जाएगा, ये समझ में आया दोस्तों, एक आदमी दो स्त्री के बराबर है तो 24 आदमी 48 स्त्री के बराबर हो गया, और स्त्री तो स्त्री है ये है, इसको कुछ नहीं करेंगे, देखिए अब दोनों स्त्री बन गया, तो 48 प्लस 17 हो गया 65, 48 प्लस 17 हो गया कितना 65, मतलब कि हम 24 आदमी और 17 स्त्री बोलें या केवल कहें कि 65 स्त्री, दोनों बात क्या है बराबर है, ठीक है दोस्तों समझ में आया, तो चलिए इसको मिटाते हैं और इधर इसको लिख देते हैं 65 स्त्री, ठीक है ना, मतलब 24 आदमी और 17 स्त्री की कितना स्त्री के बराबर हो गया 65 स्त्री के बराबर हो गया, ठीक ना। आप देखिए आप इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला MDH वाला, आप वही प्रश्न बन गया दोस्तों जो पहले इसके पहले वाले पार्ट में आपने सीखा है MDH वाला, कैसे हम स्त्री में बदले हैं तो स्त्री वाला पार्ट को लेंगे खाली, कि 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है, और हम 24 आदमी और 17 स्त्री के बराबर में खाली पढ़ेंगे 65 स्त्री, ठीक है ना, तो 65 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, प्रश्न ऐसा बन गया, ठीक ना। तो ऐसा प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए कैसे MDH वाला फॉर्मूला जो है आपको पता है MDH/W बराबर MDH/W, आपने ये पहले वाले पार्ट में पढ़ा है, ठीक है ना, इस पे हम रखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती है, तो 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती है, घंटा नहीं दिया है तो घंटा को नहीं लिखेंगे, ठीक। अगला आगे बढ़ते हैं, 24 आदमी और 17 स्त्री, उसके बदले में हम बोलेंगे 65 स्त्री, 65 स्त्री उस काम को कितने दिनों में, उसके दुगने काम को, यहाँ काम दुगना है तो दो को रखेंगे नीचे, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 13×5 = 65 और 5×2 = 20, आई कोना को गिना हुआ होके इधर हो जाएगा x = 8, तो x = 8 यानी x क्या था दिन, तो x आ गया 8, मतलब कि 8 दिन में पूरा करेंगे, तो 8 देखिए ऑप्शन बी में है 8, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीका से हम इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, यदि आपको डाउट है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, उस क्वेश्चन में आपका रहा सहा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, उसी टाइप का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपने इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया होगा और आपका उत्तर भी आया होगा, यदि नहीं आया है तो चलिए सीखते हैं कि बनता कैसे है। तो चलिए आइए ध्यान से देखिए बोर्ड को, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिनों में कर लेंगे, तो बहुत इजी दोस्तों है, ठीक है ना। बोला है 4 पुरुष या 6 लड़के, तो 4 पुरुष लिखेंगे, 4 पुरुष और या मतलब होता है बराबर, तो देंगे बराबर का चिन्ह,
छह लड़का है, चार पुरुष छह लड़का के बराबर है। यहाँ से पुरुष और लड़का का रेशियो निकालिए तो दो न तीन, दो से कटाएंगे दो दूनी चार द्वितीया छयन, यानी कि निकल गया दो पुरुष बराबर तीन लड़का, दो पुरुष बराबर तीन लड़का। इस वाक्य से हमको यह मिल गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है छह पुरुष और ग्यारह लड़के उसे कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि पुरुष और लड़का दिया है, तो इसको एक जात में बदलना पड़ेगा हमको। पहले या तो पुरुष को लड़का में बदल दीजिए या लड़का को पुरुष में बदल दीजिए, दोनों को एक जात में बदलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को MDH वाला फॉर्मूला पर लगा करके सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए, तो हम पुरुष को लड़का में बदल देते हैं। तो देखिए, दो पुरुष तीन लड़का के बराबर है, तो छह पुरुष है, तो छह पुरुष को छह बनाने के लिए तीन से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम तीन से गुना करेंगे। इसको अगर हम तीन से गुना कर देंगे तो छह बन जाएगा, तो इधर भी तीन से गुना करना पड़ेगा। तो निकल गया छह पुरुष बराबर तीन दिया नौ लड़का, यानी कि छह पुरुष बोलें या नौ लड़का कहें, बात एक है, ठीक है। अब छह पुरुष के बदला में हमें नौ लड़का रख दें, बोलिएगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि छह पुरुष नौ लड़का के बराबर है। तो छह पुरुष और ग्यारह लड़का, और मतलब आपको पता है कि जोड़ होता है, मैंने बताया है कि और मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। तो नौ लड़का जोड़ ग्यारह लड़का, टोटल कितना लड़का हो गया, बीस लड़का, ठीक है ना। एक बार लिखिए देते हैं आपको, आपके लिए छह पुरुष और मतलब होता है जोड़ ग्यारह लड़का, ठीक। छह पुरुष के बदला में मैंने निकाला है नौ लड़का, तो छह पुरुष के बदला में हम लिख देंगे नौ लड़का प्लस ग्यारह लड़का, तो टोटल कितना हो गया लड़का, बीस लड़का। ठीक है दोस्तों, इतना गो में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए MDH वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे, तो हम सबको लड़का में बदले हैं, तो लड़का वाला पार्ट यूज में लेंगे, लड़का वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज में लेंगे। बोल रहा है छह लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो छह गुना 20 लिखेंगे MDH, ठीक है। MDH वाला फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, तो छह पुरुष और ग्यारह लड़का, छह पुरुष और ग्यारह लड़का के बदला में हम कितना बोल सकते हैं, 20 लड़का, तो 20 लड़का उसे कितने दिनों में कर लेंगे, तो 20 गुना एक्स दिन में। अब इसको कटा छटा के उतर लाइए, 20 कट गया, एक्स बराबर हो गया छः, एक्स बराबर हो गया छः, ठीक है दोस्तों। तो छः दिन हो गया मेरा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको हम मौखिक कर सकते हैं, मुजबानी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, अगले वीडियो में मतलब आपको मैं बताऊंगा कि इसको मौखिक करना कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन, और ये अलग टाइप का है। मैंने शुरू में ही बताया था कि पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित जो प्रश्न होता है उसमें दो टाइप होता है, एक अथवा पर आधारित, एक और पर आधारित, ठीक ना। ये देखिए और पर आधारित प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। छह पुरुष और आठ लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें सेंटेंस में दो भाग है, और ये पहला भाग में दो कंडीशन दिया है, छह पुरुष और आठ लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में करेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और हम पुरुष और लड़का का रेशियो ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले उसको करते हैं कैसे। छह पुरुष, उसको पुरुष को हम पी से लिखेंगे और लड़का को लिखेंगे हम बी से, आठ बॉयज, बी मतलब बॉयज, ठीक है ना। छह पुरुष और आठ बॉय कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, वही काम को, काम बराबर है, ठीक है। 26 पुरुष जोड़ 48
बुआ है उसे दो दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और याद करेंगे। 10 × 6 = 60, 60 पी और 8 × 2 = 80 बी बराबर 26 × 2 = 52 पी 48 × 2 = 96 बी। अब यहाँ से पी वाला को एक साइड लाइए, 60 में 52 को घटाएंगे तो होगा 8 पी = 80, जाकर के 96 में घटेगा तो 16 बी होगा। रेशियो निकालिए थे, 1 पी = 2 बी, 1 पी = हमारा 2 बी। ठीक है दोस्तों, यानी एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है। अब आगे बोलता है 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे। तो 15 पुरुष और 20 लड़का बोल रहा है, तो पुरुष को लड़काओं में बदलिए या लड़का को पुरुष में बदलिए। तो चलिए हमें 15 पुरुष को लड़काओं में बदल देते हैं। तो 15 पुरुष = हो जाएगा 30 लड़का, 1 पुरुष 2 लड़का के बराबर है तो 15 पुरुष 30 लड़का के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भी ये जो 2 कंडीशन बना है, एक ही कंडीशन एगो ये कंडीशन, दोनों में से किसी एक कंडीशन को उठाएंगे और वहाँ भी हम जो है ना पुरुष को लड़कों में बदल देंगे या लड़का को पुरुष में बदलेंगे। तो हम पुरुष को लड़का में बदलेंगे तो इसको भी हम पुरुष को लड़का में बदलते हैं। तो 6 पुरुष 8 लड़का मिलकर के कितना लड़का हो जाएगा, तो उसको करते हैं। तो 1 पुरुष 2 लड़का के बराबर है तो 6 पुरुष 12 लड़का के बराबर हो जाएगा। अब 12 × 8 = 20 हो गया, 12 × 8 कितना हो गया 20 बॉय। अब बन गया हमारा प्रश्न कि 20 लड़का 10 दिन में काम करता है तो 30 + 20 = 50 लड़का उसे कितने दिनों में करेगा, MDS वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इधर लिखते हैं। हम क्या किए, 6 पुरुष और 8 लड़का को हम लड़का में बदल दिए तो मेरे पास कितना आ गया 20 लड़का। अब मेरा प्रश्न बन गया पहले वाला टाइप का जो पढ़े थे MDS में जो लगाते थे, ठीक ना। बन गया प्रश्न कि 20 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है और 15 पुरुष और 20 लड़का को मिलाकर के कितना लड़का मेरे पास बन जाएगा, 15 पुरुष 30 लड़का के बराबर। तो 15 × 20 50 लड़का उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल आसान हो गया आप क्वेश्चन। तो 6 पुरुष और 8 लड़का कितना लड़का है, 6 पुरुष और 8 लड़का मिलकर के बना है 20 लड़का। तो 20 लड़का 10 दिन में काम करता है, ठीक है। तो 15 पुरुष और 20 लड़का के बदलाव में हो गया 50 लड़का, 50 लड़का उसे कितने दिनों में करेंगे। तो यही हो गया प्रश्न। तो 10 × 5 = 50 × 6 = 20। तो x का मान निकल गया 4 दिन हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको करते हैं, आपका जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ले फटाफट एक क्वेश्चन जी। हाँ तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए, यदि सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और उत्तर भी आया होगा। यदि नहीं आया है तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, 4 आदमी को पी लिखेंगे और 6 लड़का है तो उसको लिखेंगे बी। 4 आदमी और मतलब होता है जोड़, ठीक है। तथा और मतलब होता है जोड़। तो 4 आदमी + 6 लड़का किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, जबकि 6 आदमी तो 6 पी + 4 बॉय कितना दिन में करता है उसे, 4 दिन में करता है। यहाँ से समीकरण बन गया। तो 5 × 6 = 20, 6 × 6 = 24, तो 24 में 20 घट गया तो हो गया
चार पी समझ में आया कैसे किए, मन में ही कर लिए, चलिए कर फिर तो चलिए आपके लिए कर देते हैं, ठीक है ना। चार पंच बीस पी जोड़ छोपंच तीस बी इधर छो चौके चौबीस पी प्लस चार चौक सोलह बी, पी को उधर ले जाएंगे तो बीस में चौबीस घटेगा तो चार पी हो जाएगा बराबर सोलह के उधर लाएंगे तो घट के रोक जाएगा चौबीस अथी चौदह चौदह पी, ठीक है ना। तो सॉरी चौपन छः तीस पी हो गया ही, सोलह पी को इधर घटाएंगे तो हो जाएगा तो चलिए गुना कर लेते हैं, पाँचों के बीस पी चौपन छः तीस बी छः चौके चौबीस पी चार चौक सोलह बी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो कि इसको हल करते हैं, पी को एक साइड लेंगे बी को एक साइड लेंगे तो पी ब्लॉक उधर लेते हैं, इधर हो गया तीस बी, बी ब्लॉक इधर लाएंगे तो सोलह बी घटेगा इधर आकर के चौबीस पी में, इधर आकर के बीस पी घटेगा तो हो गया तीस में सोलह घटा था चौदह बी बराबर हो गया इधर चार पी, दो से कटाइए दो इधर सात, यानी कि आ गया कह सकते हैं कि दो पी बराबर आ गया सात बी, यानी दो पुरुष सात लड़का के बराबर है। तो चलिए ठीक है, और इधर जो बोल रहा है आठ आदमी और बारह लड़का, तो आदमी को हम यानी पुरुष को हम लड़कों में बदल देंगे तो दो पुरुष को आठ आदमी आठ पुरुष बनाना है, दो पुरुष सात लड़का के बराबर है तो आठ आदमी कितना लड़का के बराबर होगा, तो इसमें चार से गुना करेंगे तो हो गया आठ पी, इधर से इधर भी हमको चार से गुना करना पड़ेगा तो सचो के अट्ठाईस बी हो गया, यानी कि आठ पुरुष अट्ठाईस लड़का के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इधर करते हैं और इधर देख लेते हैं, चार आदमी छो लड़का है तो आदमी को हम लड़का बदल रहे हैं तो चार आदमी कितना लड़का के बराबर होगा, तो दो आदमी सात लड़का के बराबर है तो चार आदमी चौदह लड़का के बराबर नहीं हो जाएगा है, ठीक है ना। दो गो पुरुष है वो सात लड़का के बराबर है तो चार गो आदमी इसका दुगना तो चौदह लड़का के बराबर हो गया, यानी चार आदमी कहें कि इधर हम चार आदमी दिखें जरा, चार आदमी कहें कि चौदह, चार आदमी कहें कि चौदह लड़का के बात के हो गया तो चार आदमी हो गया चौदह लड़का, तो चौदह ही लड़का छो गई लड़का तो हो गया बीस लड़का, बीस लड़का चलिए लिखिए देते हैं। तो इधर चार आदमी, इधर हम चार आदमी और छो लड़का है, ठीक है ना। तो आदमी को हम लड़कों में बदल रहे हैं तो चार आदमी, तो दो आदमी सात लड़का के बराबर है तो हमको चार आदमी की चाहिए तो दो से गुना करेंगे तो चार आदमी यानी चार गो पुरुष बराबर, इधर भी दो से गुना करेंगे तो हो गया चौदह बी, यानी कि चार गो आदमी चौदह लड़का के बराबर हो गया। तो बोल रहा चार आदमी तथा छो लड़का तथा मतलब बताए जोड़, तो चार आदमी के बराबर में चौदह लड़का आया है तो चौदह लड़का इधर हो गया और छो लड़का इधर हो गया तो गया बीस लड़का, बीस लड़का किसी काम को पांच दिन में करता है, चलिए ठीक है। आगे आठ आदमी और बारह लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आठ आदमी के बराबर में आया है अट्ठाईस लड़का और यानी जोड़ अट्ठाईस जोड़ बारह हो गया तीस, अट्ठाईस और बारह हो गया चालीस, चालीस लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे, प्रश्न बन गया ऐसा। अब जो है कि बीस से कटाइए बिदनी चालीस और एक्स इधर बीस भी खत्म तो एक्स बराबर आ गया पाँच बटे दो, यानी कि अढ़ाई दिन में कर देगा वो, कितना दिन में करेगा अढ़ाई दिन में। तो दोस्तों इस तरीका से इस यह क्वेश्चन बनता है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से इजीली इसको मौखिक भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं लेकिन वीडियो
काफी लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में मैं इसको कैसे और शॉर्ट करके बनाया जा सकता है उसको जरूर सिखाऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। जय हिंद।